नमस्कार और सुप्रभात। स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। आज हम अध्याय 7 जीवों में विविधता अर्थात डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इससे रिलेटेड वर्गीकरण, समूहों की पदानुक्रम संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इसकी। जीव वैज्ञानिक विटेगर के द्वारा समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है और इसी कारण इस वर्गीकरण को विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो विभिन्न जीव जगत हैं वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये समूह कोशिकी संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। तो इसमें जो इस वर्गीकरण का आधार है वो है कोशिकी संरचना, नंबर 1। नंबर 2, पोषण के स्रोत, जीवों की कोशिकी संरचना किस प्रकार है, जीवों के पोषण के स्रोत किस प्रकार से हैं, और साथ में उनका शारीरिक संगठन किस प्रकार का है। अर्थात जब कोशिका के बारे में बात करें तो जीव क्या एक कोशिकीय है, क्या बहुकोशिकीय है, क्या वह प्रोकैरियोटिक है, क्या वह यूकैरियोटिक है। इसी प्रकार से पोषण, आप जानते हैं क्या स्वपोषित करने वाला जीव है, क्या परपोषित करने वाला जीव है, और परपोषी में भी क्या उसकी स्थिति परजीवी है या मृतोपजीवी है या होलोजोइक है। ये सभी पोषण के प्रकार यहाँ पर देखे जाएंगे। शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन उसका किस प्रकार से है, क्या वह एक कोशिकीय है, क्या वह ऊतक स्तर का उसमें संगठन है, क्या वहाँ पर ऊतक से अंग और तंत्र स्तर का संगठन बन गया है। ये सभी 3 बड़ी बातें हैं जो इस वर्गीकरण का मुख्य आधार हैं: कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और शारीरिक संगठन जीव में किस प्रकार का है। उस आधार पे विटेकर ने उन सभी जीवों को 5 अलग अलग जगत में वर्गीकृत कर दिया है। इसके बाद वोस नामक वैज्ञानिक ने अपने वर्गीकरण में जगत मोनेरा को बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में उनको वर्गीकृत कर दिया। ऐसे बैक्टीरिया जो विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को जीवित रखने में सक्षम होते हैं उनको आर्की बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन सामान्य प्रकार के बैक्टीरिया को हम यू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार इस वर्गीकरण को पुनः स्तरों और जीवों के उप समूहों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे आइए देख, यहाँ वर्गीकरण के पदानुक्रम निम्नानुसार हो सकते हैं: जो जगत है उस जगत को बाद में फाइलम और डिवीजन में वर्गीकृत किया जाएगा। फाइलम शब्द जो है वह जंतु किंगडम के लिए उपयोग किया जाएगा, वहीं डिवीजन जो है वो पादप किंगडम के लिए यूज़ किया जाएगा। इसी प्रकार किंगडम और डिवीजन को पुनः क्लास में, क्लास को पुनः ऑर्डर में, ऑर्डर को पुनः फैमिली में, फैमिली को पुनः जीनस या वंश में, और जीनस या वंश को पुनः विभिन्न जातियों में वर्गीकृत किया जाएगा। इस प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुँचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो होती है वो जाति होती है या स्पेशीज होती है। स्पेशीज इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जो आधार है वह जाति है। अतः किन जीवों को हम एक जाति के रूप में मानेंगे? एक ही जाति के जीव में बाह्य रूप से काफ़ी समानता होती है। एक बात तो ये कि उनमें बाह्य रूप से काफ़ी समानता होती है, और दूसरे वो जीव आपस में जनन कर सकते हैं। एक ही जाति के जो जीव है वो आपस में अगर जनन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं
प्रजनन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं तो उनको हम एक ही जाति के जीव कहेंगे। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन पार्टिसिपेट इन इंटरब्रीडिंग, जो कि प्रजनन में भाग ले सकता है, ऐसे जीवों का समूह जो प्रजनन में भाग ले सकता है, उन सभी जीवों को हम एक ही जाति कहेंगे। तो व्हिटेकर द्वारा जो पांच जगत वर्गीकरण की रूपरेखा बनाई गई है वो कुछ इस प्रकार है। जीवधारियों को पहले दो समूहों में बांटा गया जो उनकी कोशिकीय आधार पर हैं, प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव। ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है उनको प्रोकैरियोटिक जीव कहा गया, और वे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक उपस्थित है उन्हें यूकैरियोटिक या सत्य केंद्रकीय जीव कहा गया। तो यह पहला तरीका था जिसके आधार पर जीवों को उन्होंने दो वर्गों में विभाजित कर दिया, एक वे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित है और एक वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित है। और इन जीवों की ये जो प्रोकैरियोटिक जीव है इनकी विशेषता ये भी होती है कि ये केंद्रक विहीन कोशिका के साथ साथ एक कोशिकीय होते हैं और इसके अंतर्गत सिर्फ एक मात्र किंगडम आता है जो कि मोनेरा होगा, किंगडम मोनेरा, जगत मोनेरा। वहीं यूकैरियोटिक जीव जो थे उन जीवों को पुनः दो भागों में बांटा गया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। उनके शरीर में कोशिकाओं के संख्या के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया, यूकैरियोटिक जीव जो कि एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक जीव जो कि बहुकोशिकीय। अब यूकैरियोटिक जीव जो एक कोशिकीय होते हैं उसके अंतर्गत एकमात्र जगत सम्मिलित किया गया जो कि प्रोटिस्टा था। इसके अलावा वे यूकैरियोटिक जीव जो कि बहुकोशिकीय थे उनको पुनः दो भागों में विभाजित किया गया जो कि उनकी कोशिकाओं के ऊपर पाई जाने वाली कोशिका भित्ति के आधार पर था। यदि कोशिका भित्ति सहित हैं तो उनको अलग कर लिया गया, और ऐसे जीव जिनकी कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं है तो उन्हें भी अलग कर लिया गया। वे यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव जिनकी कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति उपस्थित थी उनको पुनः दो भागों में विभाजित किया गया, क्या वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्या वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उन्हें पादप जगत के रूप में वर्गीकृत किया गया, लेकिन वे यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव जिनकी कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति तो थी लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण करने में असमर्थ थे उनको एक अलग जगत में वर्गीकृत किया गया जिसे फंजाई जगत के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर वे यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव जिनकी कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं थी उनको सबसे विकसित जगत, जगत एनिमेलिया या किंगडम प्लांटी में वर्गीकृत किया गया। तो इस अंक में इतना ही। इसके बाद हम व्हिटेकर के द्वारा दिया गया पांच जगत वर्गीकरण, इसको हम प्रत्येक जगत के अनुसार पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाओं को, कोशिकीय जीवों को। तो आज के अंक में, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम व्हिटेकर द्वारा दिए गए पांच जगत वर्गीकरण के विभिन्न जगतों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।